भाजपा के फायर ब्रांड भगवा नेता एवं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने पाकिस्तान सेना द्वारा भारत सीमा में घुसकर दो सैनिकों के सर कलम करने की घटना पर पूछे गए सवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार जरूर कोई योजना बना रही है, वह आने वाले समय में जरूर कुछ बड़ा होगा। साक्षी महाराज लुधियाना में अमर शहीद सुखदेव जी के 110वें जन्म दिवस समारोह में शामिल होने आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को नमन किया। जिंदाबाद। अमर शहीद सुखदेव जी का 110वां जयंती समारोह था। हमारे विशाल नेगी साहब ने आमंत्रण दिया, इनका धन्यवाद। और ये राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी के चरणों में और शहीदों के चरणों प्रणाम करने का मुझे अवसर मिला, खुश माने से आप सबसे मिलने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पाकिस्तान रोज बदतमीजी कर रहा है और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है उसको बहुत सटीक जवाब देने की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा, मुझे लगता है कुछ योजना बन रही होगी, निश्चित कुछ होगा। कांग्रेस के कार्यकाल को कैसे देख रहे, जैसे कैप्टन ने आते बीजेपी कल्चर खत्म किया, इसको आप कैसे देखो, किस तरह से काम कर रही कांग्रेस में? बीजेपी कल्चर तो था ही नहीं जो कैप्टन ने खत्म कर दिया, आपका प्रश्न ही गलत है। यहाँ अकाली सरकार थी, हम तो बहुत छोटे से उसमें एक सदस्य थे। समारोह के प्रबंधक व श्री सुखदेव के नाती विशाल नैयर ने बताया कि आज के समारोह में देश भर से आए करीब 180 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया है। अमर शहीद सुखदेव जी का 110वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 170 से 80 परिवार हैं जिनको हमने आज सम्मानित करना है। जो काम सरकारों का है वो हम जैसी संस्थाएं और हम परिवार इन परिवारों को बुला के कर रही है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारी सरकार घर पे बैठी हुई है और संस्थाएं और शहीदों के परिवार इन सबको बुला के यहाँ सम्मानित कर रही हैं। कौन कौन से परिवार आए हैं आज इस कार्यक्रम में? जो परिवार सब शामिल हुए हैं उनमें से भगत सिंह जी का परिवार है, लाला लाजपत पतराय जी का परिवार है, शिवलाल कपूर जी का परिवार है, अशफाक अली खान जी का परिवार है, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो पहले कैप्टन रहे हैं ठाकुर दुर्गा सिंह ठाकुर फूल सिंह के, वो परिवार हैं। जागती लाल के लिए लुधियाना से बलराज खन्ना की रिपोर्ट।